हेलो एवरीवन, होममेड रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज आपके साथ मैं एक और रेसिपी शेयर करूंगी और ये रेसिपी जितनी खाने में टेस्टी है उतनी ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी है। और इसको अगर आप खाली पेट सुबह सुबह एक खा लो तो इससे आपके बहुत सारी दिक्कतें दूर होती है। इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, पेट भी साफ होता है और बहुत सारी चीज़ें भी है जो ठीक होती हैं। तो चलिए फिर इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये 1 पाव आंवला है, आप समझ गए ही होंगे देखकर इसके फायदे। तो ये मैंने आंवला ले लिए हैं और इनको अच्छे से मैंने धो लिया है। तो आज हम आंवला की कैंडी बनाएंगे। तो बच्चे कच्चा आंवला खाते हुए बहुत ही दिक्कत करते, परेशान करते हैं, वे नहीं खाते। तो इसकी आज हम कैंडी बनाएंगे ताकि बच्चे आराम से इनको खा ले मजे लेते हुए और हमें कोई दिक्कत भी ना हो। तो ये आंवला देखिए, मैंने इनको अच्छे से धो लिया है और यहाँ पर मैंने गर्म पानी होने के लिए रख दिया था, तो ये पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब ये सारे आंवले हम इस पानी में डाल लेंगे और 5-10 मिनट के लिए इसको उबाल लेंगे ताकि ये थोड़े अच्छे से ये पक जाए। तो इसको हम ढककर इसको हम उबाल लेंगे और इसको पका लेंगे आंवला को। तो ये देखिए, हम आंवला को पकाते हुए 5-10 मिनट हो गई है और ये हमारी आंवला अच्छे से पक गई है। देखिए तो ये देखिए, मैं आपको चक्कू से दिखा रही हूँ आंवला। ये देखिए, ये अब अच्छे से पक गए हैं। ये देखिए, तो इस टाइम हम गैस बंद कर देंगे और आंवला को रख देंगे ठंडा होने के लिए और इसका हम पानी निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमारी यहाँ आंवला ये ठंडे हो गए हैं। तो अब इन आंवला को हम देखिए ऐसे हाथ से तोड़कर इनके अंदर की जो बीज है उनको हम अलग से निकाल देंगे। ये देखिए, ऐसे सारे आंवला को ऐसे खोल लेंगे और जो इनके अंदर जो बीज है उनको हम अलग से निकाल लेंगे। देखिए ये वाले बीज, उनको हम अलग से निकाल देंगे। तो ये देखिए, सारे आंवला के हमने ये बीज निकाल लिए हैं। ये देखिए, तो ये देखिए, मैंने अब एक मिक्सी जार ले लिया है और जो सारे आंवला है वो इसके अंदर हम डाल देंगे। जितने भी हमारी मिक्सी जार में आएंगे उतने इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको हम पीस लेंगे। बिल्कुल हम इसका एक बारीक सा एक पेस्ट बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसका एक बारीक सा पेस्ट बनाकर यहाँ पर ये तैयार कर लिया। ये देखिए, तो अब मैंने गैस पर एक फ्राई पैन रख लिया और जो हमने ये पेस्ट बनाया है ये इसके अंदर हम डाल लेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा देखिए पका लेंगे, जो भी इसके अंदर पानी है उसको हल्का सा हम सुखा लेंगे। तो हिलाते हुए इसको हल्का सा पका लेंगे। तो ये देखिए, हल्का सा मैंने इसको पका लिया और इसका पानी भी देखिए सूख गया है हल्का सा। अब इसमें हम डालेंगे गुड़। तो ये देखिए, एक कटोरी में मैंने गुड़ को तोड़ लिया है, वो इसके अंदर हम डाल देंगे और साथ ही में मैं इसमें देसी घी भी डाल दूंगी। तो 1 चम्मच भर कर मैं इसमें देसी घी डाल दूंगी। तो देखिए, मैंने इसमें 1 चम्मच भर कर देसी घी डाल दिया है। अब इसको हम हिलाएंगे और देखिए अच्छे से हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे इसके अंदर हिलाते हुए। और गैस को यहाँ हमें तेज ज़्यादा नहीं रखना है, मीडियम में ही गैस को रखना है। तो हिलाते हुए इसको फिर से हम पका लेते हैं पूरे गुड़ को इसके साथ। तो देखिए, यहाँ पर हमारा गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो गया है और देखिए इसको हमने थोड़ा सा पका भी लिया है। देखिए ये अभी थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट हो गया है। ये देखिए, तो थोड़ा सा इसको अभी मैं और भी पकाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, इसको पकाने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 10-15 मिनट का ही टाइम लगता है और ये बड़ी जल्दी बन जाता है। तो देखिए, गुड़ यहाँ पर हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। ये देखिए, अब इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर भी डाल दूंगी। देखिए ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है ताकि इसमें हल्का सा टेस्ट आ जाए। तो हल्का सा मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है और हल्का सा ही इसमें हम देखिए बिल्कुल मैंने चम्मच में थोड़ा सा लिया है काले वाला नमक, तो वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से हमें इसके अंदर मिक्स कर लेना है। और देखिए हिलाते हुए इसको
हम थोड़ी देर और पका लेते हैं 1 मिनट के लिए, ताकि जो भी काली मिर्च और नमक हमने डाला है उसका फ्लेवर अच्छे से इसके अंदर चला जाए। तो ये देखिए, अच्छे से ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो गई है। अब ये हमारा ये पेस्ट ये रेडी हो गया, ये देखिए। तो अब यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे। अब इस पेस्ट को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और थोड़ी देर इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो इस प्लेट में हम निकाल लेते हैं और इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा पेस्ट अच्छे से ये ठंडा भी हो गया है। और आप क्या करेंगे, हम हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे, ये देखिए। और अब थोड़ा थोड़ा पेस्ट इसमें से लेंगे और इसकी हम गोलियाँ बना लेंगे। तो ये देखिए, ऐसे हमें सारे पेस्ट की ऐसे हम गोलियां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, ऐसे मैं गोलियां बनाकर तैयार कर लूँगी। अगर आप छोटी बनाना चाहो या और भी बड़ी बनाना चाहो, वो आप पर डिपेंड करता है। जैसे भी आपको अच्छी लगती है इसकी शेप दे लीजिए। तो हम ये सारी कैंडियां पहले ही यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, हमने ये तैयार कर ली है सारी कैंडियां बनाकर। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पर एक कटोरी ले लिया है और इसमें मैं 1 चम्मच डाल लूँगी शुगर पाउडर, और थोड़ा सा इसमें हम काला नमक डाल लेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, खट्टा मीठा सा। और आप भी इन दोनों चीज़ों को हम चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने ये कैंडी बनाई है आंवला की, वो इसके अंदर हम डाल देंगे और इसके ऊपर, कैंडी के ऊपर इनको कोट कर देंगे। देखिए, शुगर पाउडर और नमक को अच्छे से कोट कर लेंगे ऐसे। तो ये देखिए, सबको मैंने अच्छे से कोट कर लिया है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी आंवला की ये कैंडी बनकर तैयार हो गई, और बहुत ही टेस्टी बनती है, खट्टी मीठी सी। तो आप भी ऐसी आंवला की कैंडी बना सकते हो। ये बहुत ही बनाना इसको आसान है। और इसको आप बनाकर सुबह सुबह अपने बच्चों को खाली पेट दीजिए, उससे बच्चों को बहुत ही फायदा होगा। तो आप भी जरूर बनाइए इस रेसिपी को। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल होममेड रेसिपी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ज़रूर बनाइए और इंजॉय कीजिए।